हेलो फ्रेंड्स डब्ल्यू एस क्यूबेक के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर मैं मनीष गहलोत आपका वेलकम करता हूं फ्रेंड्स सी प्लस प्लस की इस प्रोग्रामिंग सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट ओके फ्रेंड्स कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक टॉपिक है जहां से हम आर्ग्यूमेंट्स जो हैं बेसिकली कहाँ से पास करते हैं कमांड लाइन से पास करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट है जहाँ से हम जैसे एम एस डॉस है हमारा ठीक है तो वहां से हम जो है कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं तो इस तरह की टेक्निक जहां से हम अगर कमांड लाइन के थ्रू पास कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स ठीक है कहां से पास होंगे तो पास हम कहा डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स मेन के अंदर डिफाइन करते हैं जो दो आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं एक है ए आर जी वी ठीक है और एक है ए आर जी सी टू आर्ग्यूमेंट्स डेट वी पास इन दिन फंक्शन ठीक है अगर हमें कमांड लाइन के थ्रू आर्गुमेंट पास करना है तो मेन फंक्शन से हम क्या करेंगे, पास करेंगे और आर जी सी और ए आर जी वी दो आर्ग्यूमेंट है अब यहाँ पे जो ए आर जी सी है वो बेसिकली क्या है फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इज ए नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्यट्स नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के आप कितने नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं और सेकंड ये है की जो लिस्ट आप जो पास कर रहे हैं एज ए आर्ग्यूमेंट

मेन फंक्शन में जो है हम किस तरह से जो है ये आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं ठीक है नाउ फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में कुछ पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं फर्स्ट जो है देखिए ए आर जी सी दैट इज द दर्ग्यूमेंट काउंट फुल फॉर्म क्या है इसकी आर्ग्यूमेंट काउंट ओके नाउ फ्रेंड्स आर्ग्यूमेंट काउंट इज इज स्टोर्स द नंबर ऑफ कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट दैट वी पास अंडर द इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोग्राम ठीक है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो प्रोग्राम का नाम है बाय डिफॉल्ट वो पहला आर्ग्यूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो पहला आर्ग्यूमेंट होता है ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स ए आर जी सी ठीक है उसमें आप जो पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है प्रोग्राम का नाम होता है उसके बाद में आप लिस्ट ऑफ जो आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं उसकी काउंटिंग जो है वो क्या होगी ए आर जी सी में स्टोर होगी तो मान लीजिए अगर आपने दो आर्गुमेंट पास किए तो एआर जी सी की वैल्यू कितनी होगी थ्री होगी क्यों थ्री होगी कि दो आर्गुमेंट तो आपने पास किए हैं और एक आर्गुमेंट क्या हो गया आपके प्रोग्राम का नाम ठीक है सो यहां पे यही कह रहा है कि पास वैल्यू टू दर्ग्यूमेंट दर जी सी वुड बी टू क्यों टू वन फॉर द आर्गुमेंट एंड वन फॉर द प्रोग्राम नेम क्लियर तो एक ज्यादा होगी द वैल्यू ऑफ द ए आर जी सी शुड नॉट नेगेटिव क्या होगी नेगेटिव नहीं होगी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है क्योंकि हमारे प्रोग्राम का तो कोई ना कोई नाम तो होगा ही होगा ठीक है ए आर जी वी की बात करते हैं आर्ग्यूमेंट वैक्टर ठीक है आर्ग्यूमेंट वैक्टर इज बेसिकली एरिया ऑफ करेक्टर लिस्टिंग ऑल दी दर्ग्यूमेंट्स ठीक है दीज आर ऑफ पॉइंटर्स लिस्ट ऑल दी एंड ग्रेटर देन जीरो अभी मैंने आपको बताया था और ए आर जी वी ठीक है जी वी टू जी सी माइनस वन विल कंटेन द पॉइंटर्स टू द स्ट्रिंग ये बेसिकली क्या है एक तरह से एरे का डिनोटेशन कर रहा है फ्रेंड्स कि जीरो इंडेक्स से और माइनस वन लास्ट इंडेक्स तक जो है सारी क्या है हमारी जो जो स्ट्रिंग हम पास कर रहे हैं उसकी क्या होगी ये एज ए इंडेक्सिंग फॉर्मेट में होगा एंड ए आर जी वी जीरो इज अ नेम ऑफ द प्रोग्राम क्या होगा फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको कहा था वेक्टर है तो जीरो इंडेक्स पे क्या होगा हमारा प्रोग्राम का नाम होगा आफ्टर डेट द ए आर जी वी एवरी एलिमेंट इज कमांड इन आर्ग्यूमेंट उसके बाद में जो फ्रेंड्स जो भी आर्ग्यूमेंट आएंगे वो आपने जो पास किए हैं वो प्रिंट होंगे बट फर्स्ट जो ए आर जी वी की जो वैल्यू होगी इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके प्रोग्राम का नाम होगा क्लियर ठीक है सो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपके साथ में डिस्कस किए अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ देखिए आप हमने क्या किया फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मेन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं ठीक है मेन के अंदर दो आर्ग्यूमेंट पास कर दिए हमने और एक सी आउट में हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे दिया यू हैव एंटर क्योंकि जो सारे जो सारे हैं वो किसके अंदर है ए आर जी सी के अंदर है तो कमांड लाइन पर फ्रेंड्स कमांड लाइन पर जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इस प्रोग्राम का जो नाम है रखा है वो मैंने रखा है डेमो डॉट सी पी पी ठीक है और देखिये आपके हमने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं एक है हेलो और एक है हाय कमांड लाइन पर जब मेरा कहने का ये मतलब सी एम डी पर जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और जो आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे ठीक है तो उसके अंदर हमने देखे हेलो और हाय दो हमने आर्ग्यूमेंट पास किए हैं ठीक है थीके? दो आर्ग्यूमेंट हमने पास किए हैं तो एक्चुअली जो ए आर जी सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी तीन होगी क्यों होगी दो तो ये आर्ग्यूमेंट है और एक क्या होगा हमारे प्रोग्राम का नाम तो टोटल ए आर जी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी थ्री ठीक है थ्री हो जाएगी अब हमको क्या करना है फ्रेंड्स कि आर्ग्यूमेंट काउंट तो प्रिंट करवा लिया आर्ग्यूमेंट वेक्टर को प्रिंट करवाना है तो ए आर जी वी की वैल्यू को हम प्रिंट करवा देंगे बात है हमें चलना कब तक है जितनी ए आर जी सी की वैल्यू है यहाँ पर कितनी है वैल्यू थ्री है तो जीरो से लगा के तीन तक ये लूप चल जाएगा तो देखें आप इसमें तीन आर्ग्यूमेंट प्रिंट होंगे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट जो आर्ग्यूमेंट होता है ए आर जी वी जो जीरो इंडेक्स पर जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है हमारे प्रोग्राम का नाम तो यहाँ पे देखिए हमारे प्रोग्राम का नाम जो भी है ठीक है यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ठीक है उसके बाद में क्या होगा जो दो नेक्स्ट जो आर्ग्यूमेंट है वन इंडेक्स पर और टू इंडेक्स पर हेलो और हाई प्रिंट हो जाएंगे ठीक है तो ए आर जी सी की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट और ए आर जी वी की वैल्यू क्या होगी उस टोटल आर्ग्यूमेंट्स आपने जितने पास किए हैं एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट क्लियर समझ में आया और अब मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स एक कुछ प्रॉपर्टीज ठीक है कुछ प्रॉपर्टीज कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट की ठीक है हाँ, हम हमेशा कहांशन से पास करेंगे फ्रेंड्स मेन फंक्शन से पास करेंगे ठीक है पैरामीटर आर्ग्यूमेंट अप्लाई टू द प्रोग्राम वेन इट इज इन्वॉल्व ठीक है जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर ये क्या होगा सप्लीमेंट होगा ए आर जी सी और जीवी इज अ नल पॉइंटर कोई पेल्यू पास नहीं किया तो बेसिकली नल पॉइंटर ही होगा जीवी जीरो जीरो इंडेक्स पे क्या है तो ये क्या होगा हमारे प्रोग्राम का नाम होगा ए आर जीवी वन पॉइंट टू द फर्स्ट कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट अगर फर्स्ट इंडेक्स पे है तो पहला जो कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट आपने पास किया उसको पॉइंट करेगा ठीक है और कब तक जब तक कि लास्ट आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो जाता और इसी तरह से अगर मैं बात करूं जो बाय uh, डिफॉल्ट जो है ए आर जी सी की जो वैल्यू हैल्यू है उसमें नंबर ऑफ जितने भी आर्ग्यूमेंट पास किए हैं उससे प्लस वन होती है उससे क्या होती है प्लस वन होती है क्यों होती है क्योंकि उसमें हमारे प्रोग्राम का नाम भी क्या होता है एड होता है ठीक है क्लियर और बाय डिफॉल्ट फर्स्ट जो आर्गुमेंट होगा ठीक है वो क्या होगा हमारे प्रोग्राम का नाम होगा जो किस में होगा जीरो इंडेक्स पे सेव होगा क्लियर ठीक है एक नोट मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स ये नोट आप देखें जैसे कि आपने एक आर्ग्यूमेंट पास किया मान लीजिए दो आर्ग्यूमेंट आपने पास किए हेलो ठीक है और एक आर्ग्यूमेंट आपने पास किया हाय ओके हाँ, अब मान लीजिए एक आर्ग्यूमेंट आपको ऐसा पास करना है जिसमें क्या हो स्पेस हो हेलो हाय ये एक ही आर्ग्यूमेंट आपको एज ए स्ट्रिंग में पास करना हो तब आप क्या करेंगे ये तो जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किए हैं अलग अलग पास किए हैं लेकिन आपको कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करना हो जो क्या हो जिसके बीच में स्पेसिस हो तब आप क्या करेंगे फ्रेंड्स सब आपको क्या करना है इन सच अर्ग्यूमेंट बाय पुटिंग द इनसाइड इनटू द डबल कोट्स और सिंगल कोट अब इस आर्ग्यूमेंट को या तो आपको डबल कोट्स में रखना है ठीक है या फिर इसको किस में रखना है सिंगल कोट में रखना है ये बात आप ध्यान रखिएगा डबल कोर्स या सिंगल कोर्ट में रखेंगे तब ही ये आर्ग्यूमेंट जो है एक काउंट होगा अब चाहे भले इसमें स्पेसिस हो वाइट स्पेस हो कुछ भी हो सब चलेगा आप डबल कोर्ट में रख सकते हैं या सिंगल कोर्ट में रख सकते हैं दोनों ही अलाउड है ठीक है तो एक ये पॉइंट मेरे को आपको बताना था इसका मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी बता देता हूं देखिए आप आ, जैसे कि एक प्रोग्राम है ये पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि आर्ग्यूमेंट क्या पास करते हैं हम ठीक है प्रोग्राम में बाद में समझाऊंगा आपको ये देखे आर्ग्यूमेंट पहला आर्ग्यूमेंट ये आप देख सकते हैं यहां पर ये जैसे एक आर्ग्यूमेंट पास किया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड अब यहां पे क्या लगाया हमने डबल कोर्स लगाया है क्या लगाया डबल कोर्स लगाया तो अब ये एक सिंगल आर्ग्यूमेंट काउंट होगा अगर हमने यहां पे डबल कोर्स नहीं लगाया होता सिंपल लिख दिया फर्स्ट सेकेंड और थर्ड मैंने अगर ये लिख दिया होता तो क्या होता ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट काउंट होते और इसमें आर्ग्यूमेंट जो काउंट की वैल्यू है वो कितनी आती है यहाँ पे फोर आती क्योंकि वन टू थ्री तो है ही है और एक आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमारे प्रोग्राम का नाम होता है तो आर्ग्यूमेंट काउंट की जो वैल्यू है वो कितनी आती फोर आती लेकिन इसको आपने किस में रख दिया डबल कोर्स में रख दिया अब डबल कोर्स में रखने से क्या हो गया अब ये सिंगल आर्ग्यूमेंट काउंट होगा और टोटल जो ए आर जी सी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी टू होगी ये एक ठीक है और एक हमारे प्रोग्राम का नाम तो टोटल कितनी हो जाएगी दो हो जाएगी ठीक है आउटपुट बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे आपने ए आर जी वी की वैल्यू प्रिंट कराएंगे जीरो इंडेक्स पर तो आपके प्रोग्राम का नाम आएगा और ए आर जी वी वन की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे तो पूरा जो आर्ग्यूमेंट आपने सिंगल कोट या डबल कोट में पास किया है वो प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो आप डबल कोट्स में भी पास कर सकते हैं और सिंगल कोट में भी पास कर सकते हैं जैसा कि आपने यहाँ पे देख रहे हैं फर्स्ट सेकंड, थर्ड आपने किससे पास किया ये एज ए तीनों आर्ग्यूमेंट एक सिंगल कोट में पास किए हैं एक सिंगल कोट में पास किए हैं तो यहां पे इस आर्ग्यूमेंट की वैल्यू कितनी आएगी एक सिंगल काउंट होगा ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स एक आप सिंगल काउंट होगा ये तो टोटल ये एक ही आर्ग्यूमेंट माना जाएगा ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट नहीं माना जाएगा तो ए आर जी सी की वैल्यू कितनी आएगी यहां पे टू आ जाएगी एक होगा हमारे प्रोग्राम का नाम और एक होगा ये आर्ग्यूमेंट टोटल ए आर जी सी की वैल्यू कितनी होगी टू होगी ठीक है तो आप देख रहे हैं कि ए आर जी वी जीरो इंडेक्स पर हमारे प्रोग्राम का नाम प्रिंट हो जाएगा और जो फर्स्ट इंडेक्स है उसमें पूरा प्रिंट हो जाएगा जो हमने पास किया है ठीक है अब मैं आपको प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूं जो हमने किया हो, तो आपको बता दिया कि किस तरह से तो उसको आप किस में रखेंगे? में रखेंगे या उसको सिंगल कोट में रखेंगे थीके? प्रोग्राम में आप देख सकते हैं यहां पे हमने सबसे पहले तो काउंटर ले लिया है एक और दो आर्ग्यूमेंट हमने पास कर ठीक है प्रोग्राम का नाम ऑब्वियसली बात है कहां पे होता है जीरो इंडेक्स पर होता है ए आर जी वी में और अगर एआर जी सी की वैल्यू वन है इसका मतलब हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास यहां पे नहीं किया है क्योंकि वन होने का मतलब यह है कि आपके बाई डिफॉल्ट एआर जी सी की वैल्यू जो है वन होती ही होती है क्योंकि आपके प्रोग्राम का जो नाम है वही पहला आर्ग्यूमेंट होता है ठीक है तो इसके अंदर आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया अगर है अगर एआर जी सी की वैल्यू वन है एआरजीसी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन टू है तो यहाँ पे हमने क्या किया फ्रेंड्स एक फॉर लूप के थ्रू काउंटर स्टार्ट करके दोनों ही काउंटर और उसमें ए आर जी की वी की जो वैल्यू है वो हमने प्रिंट करवा ली ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज द एग्जाम्पल अगर हमें मेरे को एग्जाम्पल बताने का ये मतलब था फ्रेंड्स कि अगर आप जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उनके बीच में अगर स्पेसिस हैं तो आप किस तरह से डील करेंगे या तो उसको आप डबल कोर्ट्स में लिखेंगे और या फिर आप किस में लिखेंगे सिंगल कोर्ट में लिखेंगे जैसा कि इस एग्जाम्पल में लिखा गया है ठीक है सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल अबाउट कमांड लाइन कमॉन्ग्यूमेंट इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी जो है कंसेप्ट है वो यही है कोई चेंजेस नहीं है बट यहाँ पे जो सी ऑन सी आउट और प्रिंटर स्कैन से थोड़ा सा ये सेंटेक्स अलग हो जाता है बाकी करने का तरीका बिल्कुल सेम है कोई फर्क वाली बात नहीं है वहां पर भी ए आर जी सी और ए आर जी भी दो हमारे पास है, जो है आर्ग्यूमेंट्स होते हैं दोनों हम इसी तरह से ही डील करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी यही कंसेप्ट है ठीक है सो फ्रेंड्स आई होप के इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का कंसेप्ट है कमांड लाइन आर्गूमेंट्स इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो